करने के लिए दुकानदार जब आए तो उनको ऐसा लगे कि पहले से भी बेहतर मार्केट है, क्योंकि हमने तमाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए यहाँ की प्लास्टर्स किए हैं, यहाँ के यहाँ की इलेक्ट्रिफिकेशन किए हैं, यहाँ की लाइटिंग जितनी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से की है। हर जगह बात की, जैसे कि आपके सामने पीडीआई ने हमें हेल्प का यकीन दिलाया, अल्लाह का कलमा आज आपके सामने खड़े हैं, दुकानें बनी हुई हैं हमारी। सिंध हुकूमत ने कोई हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करा, पीटीआई वालों ने भरपूर कोऑपरेट करा है। ये सारी वायरिंग, शटरिंग, कलर, ये सब जो है पीटीआई वालों ने हमें करा के दिया है। हम लोग अपने अहले खाना को लेकर आए हुए, दुकान के शटर उनसे खुलवा रहे हैं, इब्तदा करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे जज्बाती मनाजर भी देखने में मिल रहे हैं। आप भी लाइफ बैठी एक साथ बैठे हुए, बड़ी खुशी हो रही है और मिलकर एक दूसरे से बातें सब शेयर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? आज एक अच्छी खबर के साथ वीडियो को आगाज़ कर रहे हैं। सदर कराची का एक अहम तजारती मरकज और वहाँ की एक अहम मार्केट, कोऑपरेटिव मार्केट, जहाँ पर आपने यकीनन ख़रीदारी, क्योंकि शादी के लिए हमेशा कोई ना कोई ख़रीदारी करता है, कुछ अच्छा ओकेशन आ रहा तो वहाँ से अच्छे कपड़े बनवाने के लिए हम हमेशा आते थे। मगर 14 नवंबर को एक हादसा पेश आया कि कोऑपरेटिव मार्केट मुकम्मल तौर पर झुलस कर खास्तर हो गई। आतिशबाजी के बाद यहाँ की जो दुकानें हैं वो बिल्कुल मलबे का ढेर बन गई और जो करोड़ों रुपये की, शायद अरबों रुपये की इमलाक था, वो नुकसान पहुँच गया और यहाँ के जो दुकानदार थे, जो के ताजिर थे, वो बिल्कुल रोड पर आ गए, इन सड़क पर आ गए, उनके पास अपने लिए कुछ पैसे नहीं बचे। तो उसके बाद विफाकी हुकूमत की जानिब से, वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से वादा किया गया कि इस मार्केट की बहाली के लिए मुकम्मल तौर पर ताबून किया जाएगा, मदद की जाएगी। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस मार्केट को जो यहाँ के ताजिर हैं उनके हवाले कर दिया गया है। इस हवाले से आपको बताएंगे कि किस तरह से ये मार्केट को नुकसान पहुँचा था, इसमें कौन कौन सी बहाली में काम किया गया, ताजिरों के क्या मसाइल थे, अब वो मसाइल हल हो चुके हैं, मार्केट बन चुकी है, मगर क्योंकि सामान था वो भी जल गया था, उसके बाद ये देखना होगा कि उस सामान के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि एक वादा विफाकी हुकूमत ने किया है तो दूसरा वादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने किया था, दुकानें बनाकर दे दी पीटीआई ने, मगर अब जो अंदर सामान डालने की जिम्मेदारी थी, यानी जो कपड़ों के काम था या दीगर जो सामान होता है इनके पास, उसकी उसको ख़रीदने के लिए वसाइल की जो जिम्मेदारी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने ज़िम्मे लिए, तो उनसे बातचीत करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनको सामान डलवाने के लिए दे रही है या नहीं। तो हम तमाम ताजिरों से बातचीत भी करेंगे, उनसे पूछेंगे कि नुकसान किस तरीके से हुआ था, आग किस तरह से लगेगी, तमाम तफसीलात देंगे, हमारे साथ रहिएगा। देखिए ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ये दुकान तैयार हो गई है, अब अंदर जो दुकानदारों ने सामान लाइटें लगानी, ये दुकानदारों का काम होगा, बाकी शटर वटर मुकम्मल तौर पर तैयार हो गए, अब ये नीचे टाइल्स लग चुकी हैं। देखिए कोई अपने रिश्तेदारों को लेकर आ रहा है दुकानदार दिखाने के लिए, ये देखिए माशाल्लाह सी सर खुश है आज दुकान आपकी बन गई। देखिए ये है कि बहुत मुश्किलात हुई, 3 से 4 महीने बहुत परेशानी हुई, किस तरीके से गुजारा किया आप लोगों ने, क्योंकि जब ये तो आपका गुजर बसर सारा इसी से होता था। ऐसी बहुत परेशानी हुई हमें, बहुत तकलीफ हुई हमें गुजर बसर करने में, 3 महीने से बेरोज़गार बैठे हुए, हमने कुछ नहीं कमाया, कुछ नहीं खाया, फारिग बैठे हुए बिल्कुल। आज मार्केट का इफ्तिताह हो गया तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं पीटीआई का, अल्लाह ताला ने एक वसीला बना के भेजा, बहुत अच्छी बात है और सुकून मिलता है ना, क्योंकि 3 महीने बाद बहुत मुश्किल से कब तक गुजारे होंगे, बहुत मुश्किल से गुजारे, कैसे गुजारे ये अल्लाह जानता है और हम जानते हैं, अल्लाह आपकी मुश्किलात कम करें इंशाल्लाह। अब दुआ यही है कि देखें तमाम लोग अपने अपने घर वालों को लाकर दुकानें दिखा रहे हैं, ताकि खुशी है ना कि नई मार्केट बन गई, और जो जिस तरीके से बेरोज़गार थे, बिल्कुल घरों के चूल्हे कट्टे होना शुरू हो गए थे, आज वो अपने प्यारों को भी लेकर आ रहे हैं ताकि ये मार्केट दिखाएँ कि हम दोबारा से आप कारोबार शुरू करने लगे हैं। और जब भी आप कारोबार शुरू करते हैं अपने प्यारों को आप लेकर आते हैं कि मैं नई दुकान खोल रहा हूँ, नया कारोबार शुरू करो, यहाँ पर भी वैसे ही मनाजिर देखने को मिल रहे हैं आपको, यानी लोग अपने अहले खाना को लेकर आए हुए, दुकान का शटर उनसे खुलवा रहे हैं, इब्तदा करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे जज्बाती मनाजिर भी देखने में मिल रहे हैं यहाँ पर। सर दोबारा से कब शब शुरू जाएगी आप लोगों की, मतलब आप लोगों तो घर से ज़्यादा वक्त यहीं गुजारते थे, हाँ एक दूसरे के साथ, तो एक मंगल से इंशाल्लाह ताला अभी कल केबल डाले यहाँ पर, इसलिए 2 दिन का इन्होंने बंद रखी है। चलो अल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करे। और बताएं कि कितना भाई हम लोग तो घर पे बैठे थे, 1.5-2 महीने तक घर पे बैठे रहे, कारोबार था नहीं, बाद रोडों पे थे और दुकानों पे ये हालत थी, इस तरह फिर अगर पीटीआई ने काम करवाया, काम हुआ इस, और हम लोग आज आज कितना किया, आज दोस्ती यारी भी होती है, हां बिल्कुल बिल्कुल दोस्ती यारी होती है, पीटीआई के मोबाइल से कांटेक्ट का व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ था, उसमें बस बातें होती थी, अभी लाइव बैठ के एक साथ बैठे हुए बड़ी खुशी हो रही है और मिलकर एक दूसरे से बातें सब शेयर कर रहे हैं,
और हालात बता रहे हैं कि ये डेढ़ दो महीने ढाई महीने हमने कैसे गुजारे और किस क्राइसिस से भी गुजारे, क्योंकि सारी इनकम हमारी रुकी हुई थी। बिल्कुल अलहमदुलिल्लाह, घर पे खाली समझ लें कि सोने के लिए जाते थे और फिर सुबह आते थे रात में जाते थे, फिर सुबह आते थे रात में आते थे। हमारे साथ इस वक्त मुतासिर दुकानदार हैं जिनकी करोड़ों रुपए की अमलाक को नुकसान पहुंचा और दुकानें जलकर खाकसर हो गई, यानी ये इस तरह की इमारत हो गई थी कि यहाँ पर कारोबार का सोचा भी नहीं जा सकता था। तो सर अपना तारुफ करवाइएगा और ये बताइएगा कि अब दुकानें बन गई हैं, क्या मुश्किलात पेश आई, कब ये वाकया हुआ था, ज़रा तफसील से। मेरा नाम ख्वाजा इमरान है, हम लोग बना रोकी कबा कमेटी के मेम्बर हैं। सूरत यह हाल ये है, हमने कमेटी बनाई, हर जगह बात की, जैसे कि आपके सामने PDI ने हमें हेल्प का यकीन दिलाया, अल्लाह का गड़ा में आज आपके सामने खड़े हैं, दुकानें बनी हुई हैं हमारी। ये दुकानें मुकम्मल जल चुकी थी सर, खाक हो गया था, खाक हो गया था, खाक हो गया था, अल्लाह माफ करे। यहाँ से हमने जैसे सामान वो कचरा बाहर निकाला है, ये हम जानते हैं या PDI जानती है। अच्छा, और कितनी दुकानें थी टोटल यहाँ पर सर? कुल समझ लें 350, 350। हाँ, और ख़त्म हो गई थी? बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। अच्छा, एक तो था कि दुकानें ख़त्म हो गई, स्ट्रक्चर ख़त्म हो गया, वो बन गया, अरबों रुपये का सामान भी था उसका क्या, वो भी सब खत्म हो गया सर जी? सब कुछ, पैसा कैश भी था, माल भी था, हर चीज़ ख़त्म हो गई। अब दुकानें तो PDI ने बना के दी थी, वफाकी हुकूमत ने वादा किया, वज़ीर आज़म का आप शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। अब सिंध हुकूमत ने भी आपसे कुछ वादे किए थे, सिंध हुकूमत ने पिछले दिनों चैम्बर में हमसे मुलाकात की और उन्होंने कहा जी हम आपकी हेल्प करेंगे, अभी तक कोई हेल्प नहीं हुई हमारी। तो उनकी हेल्प क्या थी, कि आपको सामान की तफसील करेंगे? नहीं जी, वो हमें पैसे देंगे और आपको सामान जो हमने उनको शेड्यूल दिया था, हमारा लॉस हुआ कम से कम ये, उन्होंने हमसे वो पैसे देने का वादा किया। तो अभी वो वादा अभी तक सर कुछ नहीं हुआ। अच्छा, अभी दुकानें तैयार हो गई हैं, आप लोगों के पास इतना पैसा है कि आप दुकानें खोल सके? नहीं, पैसा नहीं है, इसलिए तो अभी तक ये बनी नहीं है। देखें दुकानें, सिर्फ वो जो PDI ने काम करवाया वही है, ये देख रहे हैं सब। अंदर सामान डालने के लिए पैसे नहीं है? कुछ नहीं है हमारे पास, हम बेमददगार अल्लाह ताला के आसरे पे या पीपल पार्टी के आसरे पे यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, देखिए जी, वफाकी हुकूमत वज़ीर आज़म ने जो वादा किया था उसको तो पूरा कर दिया, अब जो दूसरा वादा किया है वो सूबाई हुकूमत ने गैन से, और अब उस वादे पर अमल दरामद का इंतज़ार करें। उनकी दुआ भी है कि जिस तरह से PDI ने अपने वादे पर पूरा अमल किया, इसी तरह पीपल्स पार्टी ने जो वादा किया है कि जो सामान का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेंगे, इनको सामान के लिए पैसे देंगे, ताकि ये कारोबार, ही बहुत बड़ी मार्केट है शेर कराची की, कोऑपरेटिव मार्केट, आपने यकीनन यहाँ से ख़रीदारी की होगी, मगर अभी ये मार्केट बन तो गई है, मगर इनके पास इतने वसाइल, इतना पैसा नहीं है कि इसके अंदर कारोबार शुरू कर सके। तो आपको मज़ीद लोगों से बातचीत करते हैं और उनके तासरात भी बताते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जो है ना, अपनी मदद आपके तहत करा है और ये तकरीबन 1.5 लाख रुपये लग गए मेरे, पूरी दुकान मेरी जल चुकी थी, माल वगैरह सब जल चुका था, और ये छत वगैरह फॉल सीलिंग की मैंने बनवाई है भक्ति तौर पर, आरजी तौर पर, और ये पेनाफ्लेक्स दीवारों पे लगवाया, अभी भी इसमें फर्नीचर का काम काफ़ी हद तक बाकी है, टाइल्स मैंने लगाई नहीं है क्योंकि मेरी जेब गवारा नहीं कर रही थी, गुंजाइश नहीं कर रही थी। सिंध हुकूमत ने कोई हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करा, PTI वालों ने भरपूर कोऑपरेट करा है, ये सारी वायरिंग, शटरिंग, कलर, ये सब जो है PTI वालों ने हमें करा के। इससे मुलाकात करवा रहे हैं जिन्होंने इस मार्केट को बहाल किया है, यहाँ पर स्ट्रक्चर का काम किया है। पहले अपनी कंपनी का नाम बताइएगा और ये बताइएगा कि किस तरह ये आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, किस तरह PTI ने कॉन्ट्रैक्ट दिया आप लोगों को, क्या सिचुएशन थी, अब किस तरह से काम कर दिया आप लोगों ने, क्या तब्दीली हो गई यहाँ पर? पैराकॉन कंस्ट्रक्शन कंपनी नाम है कंस्ट्रक्टर्स, और ये आफ्ताब सिद्दीकी की ज़ाती मलकियत है, तो उन्होंने हमको टारगेट दिया कि ये जल्द से जल्द हमने इस मार्केट का काम ख़त्म करके लोगों के हवाले करनी, ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सकें। जब हम यहाँ पर आए तो लोगों की दुकानों की छतें जलने की वजह से गिर चुकी थी, प्लास्टर तबाह हो चुका था, तो यहाँ पर तो माल का नुकसान हुआ ही हुआ था, साथ में यहाँ की जो हालत थी बहुत ही खस्ता हाल, यानी बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर था खत्म हो चुका था, स्ट्रक्चर बच गया था अल्लाह का शुक्र है, मगर काफी जगहों पे स्ट्रक्चर की हालत ऐसी थी कि हमें दोबारा उसको रिबिल्ड करना पड़ा, उसको दोबारा बनाना पड़ा। ठीक, किसी दुकान की छत गिर गई है, कहीं से सरिया आपका खराब हो गया सारा, तो हमने दोबारा वो करके हमने उसकी भराई की, पोरिंग की उसकी प्रॉपर कंक्रीट के साथ, ताकि आने वाले वक्त में मसाइल ना हो। जो बिजली का जो काम था वो सारा तकरीबन तबाह हो चुका था, सही, तो बिजली की दोबारा से हमने जीरो से, आप समझ लें कि हमने सारी वायरिंग की है इसकी प्रॉपर, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होती है। नहीं, लग भी खूबसूरत तरीके से लग रहा है कि नया स्ट्रक्चर के हिसाब से बनी है बिल्डिंग। जी बिल्कुल, हमने यही जहन में रखा था कि जब भी यहाँ पे दोबारा काम करने के लिए दुकानदार जब आएँ तो उनको ऐसा लगे कि पहले से भी बेहतर मार्केट है, क्योंकि हमने तमाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए यहाँ की प्लास्टर्स किए हैं, यहाँ के यहाँ की इलेक्ट्रिफिकेशन किए हैं, यहाँ की लाइटिंग जितनी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से की है। मतलब माशाल्लाह, अब ये पहले तो हुआ नुकसान, लेकिन अब ये इंटरनेशनल स्कोर पे बन गई ये मार्केट। बिल्कुल, जो इसके अंदर स्पेसिफिकेशन हमने जो इस्तेमाल किए वो इंटरनेशनल है। अच्छा, कितना टाइम लगा आप लोगों को, कितनी दुकानें थी टोटल? ये टोटल तकरीबन ये 500 दुकानदार थे, तो तकरीबन 300 दुकानों पे 500 दुकानदार काम करते थे। सही, ठीक है, एक जगह किसी ने दो दुकानों में बंद काम कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, किसी दुकान के अंदर दो दुकानें बनी हुई थी, इस तरह से भी काम चल रहा था।
तो अब माशाल्लाह से हम लोगों ने जब 300 दुकानों पे काम करना शुरू किया तो पहला फेज़ हमारा था कि हम किसी तरह मलबा बाहर निकालें इसका, क्योंकि जगह बहुत कम थी हमारे लिए, मूवमेंट बहुत कम मुश्किल हो रही थी हमारी, तो हमने मलबा तकरीबन एक हफ्ते के अंदर तक क्लियर किया था। उसके बाद जितना भी प्लास्टर था वो चिप ऑफ करना था, हम लोगों ने निकालना था, जहाँ पे स्ट्रक्चर हमारा डैमेज हो चुका था उस स्ट्रक्चर को सेट करना था, उसकी हमने जैकेटिंग की, उधर हमने प्लास्टर किया प्रॉपर, ताकि कोई मसले मसाइल ना आए आइंदा आने वाले वक्त में। रिहैबिलिटेशन मुकम्मल हो चुकी है। अभी हैंड ओवर कर दिया आज आपने। जी बिल्कुल, चलो थैंक यू सो मच। देखें यही वो बात है कि जिसका आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो वादा किया था, बड़े हम बहुत ज़्यादा चीज़ों पर खफा भी हो सकते हैं, लेकिन इस वादे पर अगर वज़ीर आज़म की हिदायत के ऊपर अमल दरामद हो गया तो हमें उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। अब बारी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जिन्होंने ताजरों से यहाँ के वादा किया है कि जो भी उनको नुकसान हुआ उसका अजाला करेंगे, क्योंकि दुकानें तैयार हो चुकी हैं, स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, रिहैबिलिटेशन हो चुकी है इस मार्केट की, मगर पैसे नहीं है दुकानदार माल डाल सके दुकानदारों के, क्योंकि दुकानें अभी भी खाली हैं और जब तक पैसे नहीं होंगे तो दुकानें चल नहीं सकती। तो हम कोशिश करेंगे पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से भी बातचीत करें, आपको मज़ीद ये मार्केट दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू। इस उम्मीद इस वादे के साथ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो वादा किया है जिसे उस वादे पर पूरा उतरेगी, क्योंकि यहाँ के जो ताजर हैं उनका कहना है कि अब दुकानें तो बन गई, दुकानों की रिहैबिलिटेशन भी हो गई, मगर आज जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से कहा है कि जो वसाइल है यानी जो सामान खरीदने की जिम्मेदारी, इनको जो कैश की सूरत में कुछ पैसे देंगे ताकि जो अपना काम दोबारा से शुरू कर सके, तो उम्मीद कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी भी अपने वादे को पूरा करेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फेसबुक और यूट्यूब पर लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।